का आपकी गार्डनर दोस्त। आज आपसे बात करूंगी अडेनियम के बारे में कि अडेनियम में जब फलियां आ जाती हैं तो उसके बाद हम क्या गलतियां करते हैं कि हमें हेल्दी सीड्स नहीं मिलते हैं। तो ये गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए हमें, कैसे उसकी केयर करनी चाहिए फलियां जब आनी शुरू हो जाती हैं उसके बाद। तो चलिए फिर शुरू करती हूँ, मैं दिखाती हूँ आपको। ये मेरा अडेनियम का प्लांट है और इसमें देखिए कितनी कलियां आई हुई हैं, और फलियां आई हुई हैं, सीड पॉड्स आई हुई हैं। और ये सीड पॉड्स ज़्यादा आए इसके लिए ये ज़रूरी है कि आपके पौधे में बहुत सारे फ्लावर्स आएँ। जितने ज़्यादा फ्लावर आएंगे उतनी सीड पॉड्स बनेंगी। तो ज़्यादा फ्लावर कैसे लेने हैं, इस पर मैंने अभी वीडियो डाला था 5-7-10 दिन पहले, और उसका मैं लिंक फिर से डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में। तो ज़्यादा फ्लावर आएंगे तो ही ज़्यादा फलियाँ आएंगी। अब देखिए इसमें कितनी सारी सीड पॉड्स आई हुई हैं, मेरे हिसाब से 7-8 सीड पॉड्स आई हुई हैं। और एक बात बताऊँ आपको, जैसे ये जो सीड पॉड है इसकी, ये दो सीड पॉड्स हैं, ये एक सीड पॉड है और ये दूसरी सीड पॉड है। हर सीड पॉड जो है फली पेयर में आती है इसमें, ये पूरी एक नहीं है, ये दो हैं। तो इसको दो के हिसाब से माने तो 10 से भी ज़्यादा इसमें सीड पॉड्स इस टाइम आई हुई हैं। अब इसमें कलियाँ आ गई, मतलब फलियाँ आ गई हैं, तो अब इसकी कैसे देखभाल करनी है। तो सबसे पहली चीज़ कि जब आपके अडेनियम पे फली आनी शुरू हो जाए तो इसको इस टाइम न्यूट्रिशन ज़्यादा चाहिए। तो न्यूट्रिशन ज़्यादा चाहिए तो इस टाइम आप इसमें एक तो गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट अच्छी सी दे दें, क्योंकि वो आजकल सितंबर में टाइम भी होता है देने का। वो मैंने अच्छी सी इसमें दे रखी है, इतनी इतनी लेयर जो है वो वर्मी कंपोस्ट की डाली हुई है मैंने इसमें। और उसके बाद आपको क्या करना है कि इसको जो है एक तो पानी की कमी नहीं होने देनी है। जैसे ही फलियां आ गई आपके पौधे में, आप इसकी मिट्टी को सूखने नहीं देंगे, थोड़ी थोड़ी सी मॉइस्ट, ज़्यादा गीली नहीं, मॉइस्ट, हल्की सी मॉइस्ट रखेंगे मिट्टी को, ताकि आपके पौधे में जो फलियां हैं उनमें जो सीड्स बन रहे हैं वो सीड्स जो हैं सूखे नहीं और अच्छी तरह से डेवलप हों। एक तो सबसे पहली चीज़ ये करनी है। दूसरी चीज़ आप ये कर सकते हैं, अगर ये बिल्कुल 6-7 घंटे की धूप में पड़ा हुआ है तो आप, क्योंकि हमने शैलो पॉट में लगाया हुआ है, छोटा पौधा है, तो ऐसे अगर ये पड़ा हुआ है तो इसको हम थोड़ा सा हाफ डे सन में शिफ्ट कर दें, जहाँ 4-1 घंटे की धूप मिले ऐसी जगह इसको शिफ्ट कर दें, ताकि इसको ओवर धूप नहीं मिले, जिससे इसकी मिट्टी ज़्यादा सूखेगी। और मिट्टी ज़्यादा सूखेगी तो फिर इसके बीज सूखेंगे। तो दूसरी चीज़ हमें ये करनी है कि थोड़ा सा इसको शिफ्ट कर दें जहाँ हाफ डे सन इसको मिले। अब थर्ड चीज़ हमें ये करनी है कि जैसे अब ये कलियाँ बननी शुरू हो गई हैं, तो ये कलियाँ हैं, इनको एनर्जी चाहिए। कलियाँ नहीं, फलियाँ, सॉरी, सीड पॉड्स बोलती हूँ मैं, कलियाँ फलियाँ में कन्फ्यूजन हो जाता है। तो जो ये सीड पॉड्स बन रही हैं, इनके अंदर सीड्स बन रहे हैं, तो पौधे को जो है वो एनर्जी चाहिए, फूड चाहिए इनको बनाने के लिए। तो उसके लिए हमने एक तो देखिए वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद अच्छी सी, मैंने कहा आपको वो दे दें। अब उसके बाद आपको क्या करना है कि NPK जो होता है, NPK 19 19 19, वो आप लें और अपने पौधे में वो NPK जो है वो हर, देखिए ये NPK है, हर 15 दिन में इस NPK का एक छोटा चम्मच NPK, या तो आप इसको पानी में घोल के दे सकते हैं, 1 लीटर पानी में घोल के दे दें, क्योंकि ये छोटा गमला है इसमें 1 लीटर पानी तो आएगा नहीं, इसलिए मैंने 1 चम्मच यूं ही दे दिया, वो दे दें। फिर इसमें ये जो है थोड़ा सा 1 चम्मच, छोटा चम्मच के करीब, इसमें एप्सम सॉल्ट डाल दें। एप्सम सॉल्ट में मैग्नीशियम होता है, ये डालने से क्या होता है कि क्लोरोफिल ज़्यादा बनता है पौधे में, और क्लोरोफिल ज़्यादा बनेगा तो ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगा और अपने आप भी पौधे की जो खाना बनाने की फैक्ट्री है वो फास्ट हो जाएगी, वो अपना खुद का खाना भी ज़्यादा बनाने लग जाएगा। ये चीज़ डाल दी। और जो एप्सम सॉल्ट डालना है ना, ये महीने में एक बार डालना है, NPK 15 दिन में डालना है और एप्सम सॉल्ट महीने में एक बार डालना है। और आपने क्या करना है, एक छोटा चम्मच जो चाय का चम्मच आता है वो, जो ये चूना होता है ना इनके पास, पान वालों के पास, वो ऐसे घोल के और वो चूना आपने ऐसे दे देना है अपने पौधे को। ये भी आपको, ये तो 2 महीने में एक बार ही देना है, लेकिन जब कलियां आनी शुरू हो गई, अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी और डालूंगी, थोड़ा डाला है,
तो आधी कटोरी पानी और ये वाली डाल दूंगी, अभी बात कंप्लीट कर लेती हूँ। तो चूना जो है ना वो बहुत ज़्यादा 15-15 दिन में या ऐसे नहीं डालना चाहिए, 2 महीने में एक बार चूना डालना चाहिए। लेकिन एक बार जब कलियाँ आ जाए तो एक बार ये सारी चीज़ें आप डाल दें, फिर हर 15 दिन में एनपीके डालते रहें। तो उससे क्या होगा, आपके पौधे की खुद फूड बनाने की फैक्ट्री भी जो है फास्ट हो जाएगी, और हम भी इसको एनपीके दे रहे हैं, और कैल्शियम जो दिया है हमने, चूना जो इसको दिया है, उससे इसमें इसकी जो जड़ें हैं या इसकी जो सीड फॉर्मेशन है ना, उसमें बहुत हेल्प करेगा वो कैल्शियम। इसकी जो सेल वॉल होती है ना, प्लांट की जो सेल्स होती हैं वो और एनिमल की जो सेल्स होती हैं वो अलग फॉर्मेशन होता है। तो प्लांट की सेल्स में कैल्शियम जरूरी होता है, इसमें सेल वॉल होता है, तो इसलिए इनमें जो है ना वो कैल्शियम बहुत अच्छा रहता है। सीड्स को भी हेल्प करेगा उसका कोटिंग वगैरह बनने में, अच्छी सेल्स की शेप मेंटेन करने में अच्छा रहता है। कैल्शियम अडेनियम में ज़रूर डालना चाहिए जब भी आप इसका सॉइल मिक्सचर तैयार करें। तो ये चीज़ें आपने डाल दी, अब आपने अपने पौधे को हाफ डे सन में रखना है, और बस आपके पौधे की जो ये सीड पॉड्स हैं ये ड्राई नहीं होंगी क्योंकि आप मिट्टी को मॉइस्ट रख रहे हैं, और खाना आप 15 दिन में एक बार दे रहे हैं, तो बिल्कुल हेल्दी सीड्स बनेंगे और उन हेल्दी सीड्स से आपके हेल्दी प्लांट्स बनेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो मैंने कुछ चीज़ें बताई हैं, इन चीज़ों का ध्यान रखें, और इन चीज़ों को नहीं करना जो है वो गलती होगी आपकी, जिससे आपके सीड्स जो है वो हेल्दी नहीं बनेंगे डेनियम के। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो और नॉलेज अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।